दोस्तों बिहार स्टेट 2024 का जो है फाइनली इसका जो है रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। बिहार स्टेट 2024 का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। तो ऐसे में आप ये आपको ध्यान में रख लेना, बिहार स्टेट रिजल्ट चेक करने से पहले ये आपको ध्यान में रख लेना कि अपना रिजल्ट को अवश्य देख लेना। अगर आप नहीं देखते हैं तो ये लिंक जो है हटा दिया जाता है, रिजल्ट का जो लिंक होता है ये हटा दिया जाता है। तो आप अपना परेशानी हो सकता है, अगर आप दूसरा बार डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नहीं आप डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो है लिंक जो है हटा दिया जाता है। तो आपको परेशानी भी हो सकता है अपना रिजल्ट को डाउनलोड करने में। तो ऐसे में अपना रिजल्ट को अपना डाउनलोड करके ही रख लेना है। तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ से डाउनलोड करने के लिए यहाँ से क्या करना है, अपना रिजल्ट को चेक करने के लिए यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो एप्लीकेशन नंबर आपका एडमिट कार्ड पर दिया होगा, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड पर देख कर अपना एप्लीकेशन नंबर को फिल कर देना है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ से फिल करने के बाद यहाँ से आप आता है DOB फिल करने का ऑप्शन। तो DOB आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ किस तरह से लिखना है, DD-MM- इस तरह से, मतलब कि यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। डेट पहले लिखना है, उसके बाद माइनस देना, उसके बाद मंथ लिखना, उसके बाद ईयर इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देने के बाद यहाँ से जो भी कैप्चा दिया रहता है यहाँ से कैप्चा फिल करके यहाँ से लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन होते हैं तो आपका रिजल्ट जो है इस प्रकार से शो कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका रिजल्ट जो है इस प्रकार से शो करता है यहाँ पर। और अगर आप इसमें क्वालिफाइड होंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है इसमें क्वालिफाइड हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजल्ट क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, अगर आप क्वालिफाइड होंगे मतलब पास हो चुके होंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइड इस तरह से दिखाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका इस तरह से क्वालिफाइड, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट जो है क्वालिफाइड इस तरह से दिखा रहा है, मतलब कि आपका जो है रिजल्ट जो है हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट और बाकी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर ये सब नेम ये सब कैटेगरी जेंडर ये सब आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट को, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो रिजल्ट को आप इसी तरीका से आप देख सकते हैं। और ये अपना ध्यान में रख लेना है कि अपना रिजल्ट को अपना अवश्य डाउनलोड करके रखना है। अगर आप दूसरा बार डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है आपका हटा दिया जाता है, इसका लिंक जो आपका ये हट जाता है। तो अपना अवश्य डाउनलोड करके रख लेना है अपना रिजल्ट को। तो उम्मीद होगा कि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।